प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 6, एक कविता है कन्यादान, उसके विषय में पढ़ रहे हैं। कवि है ऋतुराज। यह कविता छंद मुक्त है और ऋतुराज साठोत्तरी जो कविताएं थी उनमें एक प्रमुख कवि है। इस कविता में कन्यादान करते समय माता को बड़ा दुख हो रहा था कि मैं अपनी अंतिम पूंजी का भी दान कर रही हूँ, अपनी बेटी का दान कर रही हूँ। बड़ा दुख था, लेकिन उसके बाद भी उस अपनी कन्या की विदाई करते समय भावी जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए कुछ सुझाव भी दिए, कुछ बातें उन्हें बताई कि किस तरह से तुम्हें वैवाहिक जीवन को आगे संभालना है, बिताना है, किस तरह से तुझे रहना है। तो माता ने कन्यादान भी किया है, साथ ही अपनी कन्या को कुछ सीख भी इस कविता में दी है। पहले हम वाचन कर लेते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुक और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। देखते हैं कितना प्रामाणिक था उसका दुख। प्रामाणिक यानी वास्तविक। लड़की को दान में देते वक्त, वक्त यानी समय, अपनी लड़की का दान करते समय अर्थात कन्यादान करते समय माता के हृदय में वास्तविक दुख था। अपनी बेटी का दान करते समय अर्थात कन्यादान करते समय माता के हृदय में वास्तविक दुख था, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। वह लड़की माता की अंतिम पूंजी थी। जैसे हमारे पास जो अंतिम पूंजी बची है अगर वो भी हम किसी को दान कर दें तो बहुत दुख होता है कि इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं रहा। तो जैसे अंतिम पूंजी का दान करते समय जो व्यक्ति में दुख होता है, जैसा कष्ट होता है, आज कन्यादान करते समय भी माँ के हृदय में वैसा ही वास्तविक दुख था। लड़की अभी सयानी नहीं थी। जो बेटी जिसका कन्यादान माँ कर रही थी, सयानी यानी समझदार, वह अभी समझदार नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी, अभी बहुत भोली और बहुत ही सरल स्वभाव वाली थी। अभी वह लड़की बेटी बहुत समझदार नहीं थी, बहुत भोली और सरल स्वभाव की थी। उसे सुख का आभास तो होता था, उस बेटी को अपने वैवाहिक जीवन, अपने दाम्पत्य जीवन के सुख का आभास था। उसे ऐसा आभास हो रहा था कि अब मुझे काफी सुख मिलेंगे, तो भावी या दाम्पत्य जीवन के, वैवाहिक जीवन के सुखों का आभास तो उस बेटी को हो रहा था,
लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। बांचना यानी ज्ञान। लेकिन दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारे कष्ट होते हैं, बहुत सारी समस्याओं का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन सब का ज्ञान उसे नहीं था। सुखों का आभास तो हो रहा था, लेकिन वैवाहिक जीवन के जो दुख हैं उन दुखों का ज्ञान उसे बिल्कुल भी नहीं था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, जिस प्रकार धुंधला प्रकाश हो, संध्या हो गई है, अंधेरा होने वाला है, तो अब बहुत कम प्रकाश रह गया। धुंधले प्रकाश का मतलब प्रकाश बहुत ही कम है, तो बहुत कम प्रकाश में कोई तुकों और लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ने का प्रयास करें। ऐसी पाठिका, पाठिका यानी पढ़ने वाली, वह पुत्री, वह बेटी ऐसी पाठिका थी जो धुंधले प्रकाश में कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ने का प्रयास कर रही थी। अर्थात जैसे कोई बहुत कम प्रकाश में तुकों और लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ने का प्रयास तो करे, लेकिन बहुत कम प्रकाश के कारण अच्छे से उसे पढ़ और समझ नहीं पाता है। ठीक उसी प्रकार उन वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में जो आने वाले दुख हैं, कष्ट हैं, उसे वो प्रयास तो कर रही थी समझने का, लेकिन उनका उसे अभी ज्ञान नहीं था। जैसे धुंधले प्रकाश में तुकों और लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ने का प्रयास करें, लेकिन धुंधले प्रकाश के कारण स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, अच्छे से पढ़ा नहीं जाता है और समझ में भी नहीं आता है, ठीक इसी प्रकार दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में, उस लड़की के भावी जीवन में जो आने वाले दुख हैं, जो कष्ट हैं, उनको वह समझने का प्रयास तो कर रही थी, लेकिन अभी उन दुखों और कष्टों का उसे ज्ञान नहीं था, उन्हें वह अभी नहीं समझ रही थी। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझना यानी प्रसन्न होना। अपनी पुत्री को अब माँ सीख दे रही है कि मेरे घर से तुम विदा होके और अपने पति के घर जा रही हो, तो वहाँ तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, इसके संबंध में माता अपनी पुत्री को सीख दे रही है कि पानी में झांक कर, पानी में देखे अपनी शक्ल नज़र आती है, तो पानी की जगह यहाँ दर्पण भी हम अर्थ ले सकते हैं, पानी में या फिर दर्पण में अपने चेहरे को देखकर, अपनी सुंदरता को देखकर उस पर प्रसन्न मत होना, क्योंकि इस वास्तविक संसार में बाह्य सुंदरता का कोई मूल्य नहीं है। अगर इस संसार में आदर सम्मान मिलता है तो आंतरिक गुणों से ही मिलता है, तो तुम अपनी सुंदरता पर मोहित मत होना, अपनी सुंदरता पर बहुत प्रसन्न मत होना, क्योंकि इस बाह्य स्वरूप, बाह्य सुंदरता का कोई मूल्य नहीं होता है। वास्तव में आदर सम्मान बाह्य सुंदरता से नहीं, आंतरिक गुणों से ही मिलता है। इसलिए तुम बाह्य सुंदरता पर, चेहरे की सुंदरता पर तुम मोहित मत होना, आंतरिक गुणों को बनाए रखना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यह एक ऐसी बात भी बताई है माने कि कुछ युवतियां, कुछ नव विवाहिते कई बार कुछ समस्या आने पर, थोड़ी सी कठिनाई आने पर, थोड़ा सा दुख आ जाने पर वे जल करके आत्महत्या कर लेती है।
तो इस समस्या की ओर भी अपनी बेटी का ध्यान आकृष्ट किया है कि जो अग्नि है वह रोटियां सेकने के लिए होती है, वो चपाती बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए आग का उपयोग करना आग जलने के लिए नहीं होती है। अर्थात कोई बाधा, कोई कष्ट तेरे सामने आ जाए, दुख तेरे सामने आ जाए तो उनसे संघर्ष करना, आत्महत्या मत करना। संघर्ष, जो भी समस्याएं बाधाएं आए उनसे मुकाबला करना, संघर्ष करना। दुख है तो उन दुखों को सहन करना, लेकिन कभी भी जल करके अपने जीवन को समाप्त मत कर लेना। ये आग आत्महत्या करने के लिए नहीं होती है, ये आग भोजन बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए होती है। इसलिए तुम कष्टों का सामना करना, कष्ट आ जाए तो संघर्ष करना, लेकिन कभी आत्महत्या का विचार भी मत करना। ये बहुत बड़ी सीख माँ ने अपनी बेटी को दी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हम सुनते हैं या न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि थोड़ी सी पारिवारिक समस्या आते ही कई बार नवविवाहिताएं आत्महत्या कर लेती है, अपने आप की आग लगाकर जला देती है या किसी पंखे इत्यादि से लटक करके और फांसी लगा लेती है। तो उनमें संघर्ष क्षमता होती ही नहीं है। थोड़ा सा कष्ट परेशानी आते ही ऐसा कदम वे उठा लेती है। उस कदम के नहीं उठाने के लिए आज माँ ने अपनी बेटी को यहाँ सीख दी है कि तुम समस्याओं से संघर्ष करना और कभी आत्महत्या का विचार नहीं लाना, मत सोचना, क्योंकि ऐसा करना उचित नहीं है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। जो वस्त्र हैं और आभूषण है, जैसे शब्दों का भ्रम होता है, बहुत सारे शब्द होते हैं दिखने में, उच्चारण करने में सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ हमें यदि समझ में नहीं आता है तो शब्दों का केवल भ्रम बना रहता है। ठीक उसी तरह वस्त्र और आभूषण हैं, ये भी स्त्री जीवन के बंधन हैं। ऐसा देखिए क्यों कहा है। एक तो स्त्री वस्त्र धारण करने में, आभूषण पहनने में ही अपना बहुत सारा समय व्यर्थ कर देती है, कार्यशील अपना जो समय है उसे व्यर्थ कर देती है। वस्त्र आभूषण धारण करने में, सजने समरने में ही अधिकांश समय अपना खराब कर देती है, व्यर्थ कर देती है, बिता देती है। तो वास्तव में जो अपने महत्वपूर्ण काम है, जो अपना व्यवसाय है, जो पारिवारिक व्यवस्थाएं हैं, उन सब की तरफ स्त्री अपना समय नहीं दे पाती है अगर वह वस्त्र और आभूषणों में ही अपना अधिकांश समय बिता देती है। तो इसीलिए कहा कि ये स्त्री जीवन का बंधन है। पारिवारिक व्यवस्थाओं में अपने बच्चों की तरफ या अपने कार्यशील जीवन की तरफ वह ध्यान नहीं देकर अगर वस्त्र आभूषण धारण करने में, सजने संवरने में ही समय व्यतीत कर देती है तो उसे कहा गया है कि वास्तव में तुम वस्त्र आभूषण धारण करने में ही अपना समय व्यर्थ मत कर देना, क्योंकि ये दोनों तो स्त्री जीवन के बंधन है। और जो वस्त्रों में और आभूषणों में ज़्यादा ध्यान देती है ससुराल पक्ष के लोग, उन्हें ये सब कुछ दे करके और अपने बंधन में भी रखते हैं। तो अगर इसके वस्त्र आभूषणों की लालच में तुम होंगी तो तुम्हें परतंत्र बना लिया जाएगा, बंधनों में बांध दिया जाएगा, क्योंकि वस्त्र आभूषण देकर के तुम्हें नियंत्रित कर लिया जाएगा और तुम अपनी वास्तविक जो स्वतंत्रता है वो खो दोगी। तो दोनों ही कारण से स्त्री जीवन के बंधन है वस्त्र आभूषण।
पहला प्रकार हम देखते हैं कि वस्त्र आभूषण धारण करने में, पहनने में, सजने सवरने में ही यदि अपना अधिकांश समय कोई स्त्री लगा देती है, खर्च कर देती है, तो वास्तविक जीवन में उसके जो वास्तविक कार्य है उनकी तरफ वह ध्यान नहीं दे पाती है। अधिकांश समय वह सजने संवरने में बिता देती है, कार्यशील, इसके अलावा पारिवारिक समय वह नहीं निकाल पाती है, पारिवारिक व्यवस्थाओं को नहीं देख पाती है, तो वह वास्तव में एक सजने संवरने में ही बंधनों में पड़ी रहती है, सजने संवरने में ही अटकी रहती है। उसके अलावा अगर वस्त्र आभूषण किसी स्त्री को बहुत प्रिय है, पसंद है, तो ससुराल पक्ष के लोग उसे वस्त्र आभूषण दिला करके अपने नियंत्रण में कर लेते हैं, वास्तविक स्वतंत्रता उस स्त्री को नहीं मिल पाती है। तो ये कहा गया है, सीख दी गई है कि तुम वस्त्र और आभूषणों के माया में, मोह में मत फंस जाना, ये सब तो स्त्री जीवन के बंधन है, इसलिए तुम इनकी तरफ ज्यादा ध्यान मत देना। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की होना अर्थात जो एक स्त्री में गुण होते हैं वो सब गुण तेरे अंदर होने चाहिए, लज्जा, श्रद्धा, संघर्ष क्षमता, इसके अलावा दया, परोपकार, त्याग, समर्पण, ये सभी जो एक स्त्री में आवश्यक गुण हैं वे सब गुण तेरे अंदर होने चाहिए। माँ ने कहा लड़की होना अर्थात एक लड़की में, एक स्त्री में, एक महिला में जो आवश्यक गुण हैं वे सभी गुण तुम्हारे अंदर भी होने चाहिए, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लेकिन थोड़ी सी समस्या आने पर उन बाधाओं से अपना मुख मत मोड़ लेना, मजबूत बने रहना, संघर्ष करना और अधिक नियंत्रण में, दबाव में, परतंत्रता में, किसी की गुलामी में भी मत रहना। तुम ऐसा सिद्ध मत करना कि मैं बहुत भयभीत हूं या मेरे अंदर संघर्ष क्षमता नहीं है। तुम ऐसा प्रदर्शित करना कि वास्तव में मेरे अंदर भी उत्साह है, मेरे अंदर भी साहस है, मेरे अंदर भी संघर्ष क्षमता है, ऐसा तुम सिद्ध करना जिससे तुम्हारे ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं कर सके। स्त्रीत्व में आवश्यक गुण हैं वे सब गुण तेरे अंदर होने चाहिए, लेकिन तुम ऐसा भी प्रदर्शित करना कि तुम्हारे अंदर उत्साह, साहस, संघर्ष क्षमता है जिससे कि तुम्हारे ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं कर सके। इस प्रकार से इस कविता में माँ ने कन्यादान करते समय अपने दुख को प्रकट किया है, बहुत दुख हो रहा था, साथ ही ये भी बताया कि उस मेरी पुत्री को दाम्पत्य या वैवाहिक जीवन में जो सुख मिलेंगे उनका कुछ आभास तो हो रहा था, लेकिन बहुत सारे दुख भी मिल सकते हैं, बहुत सारे परेशानियां भी आ सकती है, कष्ट भी हो सकते हैं, इनका उसे बिल्कुल भी आभास नहीं था। और उसके बाद अपनी कन्या का दान करते समय, अपनी कन्या का विदाई करते समय बहुत सारी अच्छी अच्छी सीख भी उसे भावी जीवन के लिए दी है कि कभी अपने रूप स्वरूप पर, बाह्य सुंदरता पर, अपने सौंदर्य पर कभी भी मोहित मत होना। इसके अलावा आत्महत्या का विचार कभी मत करना और वस्त्र आभूषण आदि के मोह में भी मत फंसना। स्त्रीत्व एक औरत में जो आवश्यक गुण है वो तेरे अंदर होने चाहिए, लेकिन अपने उत्साह, अपनी संघर्ष क्षमता,
को भी तुम प्रकट करना जिससे तुम्हारे ऊपर अत्याचार नहीं हो सके।